बेल आइकन दबाइए और मोटर ऑक्टेन के वीडियोस सबसे पहले पाइए। रेनो कैप्चर या टाटा नेक्सॉन, आप हमेशा से जानना चाह रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी बेहतर है और किस वजह से। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे। देखते रहिए मोटर ऑक्टेन का यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि हम कुछ डिटेल्स आपको बताएं, हम आपको एक चीज क्लियरली बता देते हैं कि रेनो कैप्चर की प्राइसिंग ज्यादा रहेगी व्हेन कंपेयर टू द टाटा नेक्सॉन। वो इसलिए क्योंकि उसकी लेंथ 4 मीटर से ज्यादा है और इसी कारण से उसकी प्राइसिंग ज्यादा होगी, उस पर टैक्सेस ज्यादा लगेंगे। अगर दोनों गाड़ियों के डिज़ाइन की बात करें तो वो दिखने में काफ़ी अलग और यूनिक हैं। जहां एक तरफ टाटा नेक्सॉन ज़्यादा क्रॉसओवरिश लगती है, उसमें मिनिमल क्रोम यूज़ किया गया है और ज़्यादा सिरेमिक वाइट यूज़ किया हुआ है, ये इस गाड़ी को ज़्यादा डिफरेंट और फंकी लुक देता है। अगर आप फ्रंट देखेंगे, इस पर मिनिमल क्रोम यूज़ किया गया है, उसके अलावा फॉग लैम्प्स के सराउंड्स वाइट हैं। गाड़ी के साइड प्रोफाइल देखेंगे, विंडो के नीचे वाइट दिया हुआ है, वहीं पे रियर में भी उसे वाइट पैच कंटिन्यू होता है। अब अगर हम ड्यूल टोन की बात करें, इसमें आपको ब्लैक नहीं ग्रे कलर मिलता है, जो टाटा इसे ज़्यादा फंकी लुक कंटिन्यू करने के लिए दे रहा है। अब हम बात करते हैं रेनो कैप्चर की, तो ये दिखने में थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है, इसकी पेंट क्वालिटी ज़्यादा हाई क्वालिटी की फील होती है कंपेयर टू द नेक्सॉन। वहीं पे अगर हम इसके स्टाइलिंग की बात करें तो ये दिखने में ज़्यादा बड़ी लगती है व्हेन कंपेयर्ड टू द इमेजेस। अगर आप इसे फोटो में देखेंगे और आप रियल लाइफ में देखेंगे, यू विल मेक आउट द डिफरेंस। रेनो कैप्चर काफ़ी बड़ी है इन साइज एंड हाइट। इसे LED हेडलैम्प्स दिए हुए हैं और ये बहुत अच्छे दिखते हैं, स्पेशली इन द नाइट। वहीं अगर हम बात करें दोनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ये 200 mm से ज़्यादा है और इस वजह से दोनों गाड़ियाँ काफ़ी ऊंची फील होती है। व्हील बेस ज़्यादा बड़ा कैप्चर का है और ये क्लियरली एविडेंट है। टाटा नेक्सॉन के इंटीरियर्स ऑल न्यू है। इस तरह के इंटीरियर्स आपने कभी भी कोई दूसरे टाटा गाड़ी में नहीं देखे होंगे। इसे एक बड़ा सा टच स्क्रीन सिस्टम दिया गया है। इसके साथ आपको पहली बार किसी टाटा गाड़ी में मिलता है पुश स्टार्ट स्टॉप, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन ये काफी सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ज्यादा डिफरेंट नहीं है फ्रॉम द टियागो एंड टिगोर। इसमें भी 2 डायल्स है और सेंटर में है ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्टीयरिंग व्हील सेम है लाइक द टिगोर, हेक्सा एंड अदर टाटा व्हीकल्स। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इसमें आपको आता है रिवर्स पार्किंग कैमरा, ड्यूल एयरबैग्स और ABS एक स्टैंडर्ड फीचर है। मूविंग ऑन टू द रेनो कैप्चर, इसके इंटीरियर्स भी काफी इजी टू यूज एंड सिंपल है। इसका सेंटर कंसोल कंसिस्ट ऑफ AC वेंट्स फॉलोड बाय अ टच स्क्रीन सिस्टम। इसमें आपको मिलता है नेविगेशन और रिवर्स पार्किंग कैमरा। ये टच स्क्रीन सिस्टम वही है जो आपने क्विड, लॉजी और डस्टर में देखा है और ये बहुत ही बेसिक सिस्टम है। उसके नीचे है कंट्रोल्स फॉर AC जो क्लाइमेट कंट्रोल है और ये सेम है जो आपने रेनो डस्टर में भी देखा है। इसका स्टीयरिंग व्हील भी वैसा ही है जैसे डस्टर में आपने देखा है। क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स आगे हैं स्टीयरिंग पर और पीछे है कंट्रोल्स फॉर ऑडियो। इसे नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो थोड़ा बहुत सनग्लासेस से इंस्पायर्ड है और ये काफी कूल लग रहा है। अब जब हम स्पेस की बात करें तो फ्रंट रो सीट्स नेक्सॉन और कैप्चर दोनों के अच्छे हैं।
कैप्चर में आपको लेदर सीट्स भी मिलते हैं जो नेक्सॉन में नहीं उपलब्ध कराए गए हैं ड्यू टू द प्राइसिंग डिफरेंस। जब हम बढ़ते हैं टूवर्ड्स द सेकेंड रो वहां पे थोड़ा फर्क आ जाता है। टाटा नेक्सॉन में तीन जने काफी कंफर्ट में बैठ सकते हैं और ये चीज थोड़ी टाइट है इन द रेनो कैप्चर। वहीं पे रेनो कैप्चर में थोड़ा नी रूम कम है कंपेयर्ड टू द नेक्सॉन। दोनों गाड़ियों में 6 फुट के लोग आगे और पीछे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, बट जस्ट दैट द नेक्सॉन फील्स अ लिटिल बेटर। नेक्सॉन में रियर एसी वेंट्स भी हैं और उनके साथ साथ उन्हें कंट्रोलर भी दिया हुआ है। अब जब हम रियर सीट्स फोल्ड करने की बात करें तो कैप्चर में वो 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। वहीं पे नेक्सॉन का बूट इज नॉट एज बिग एज द कैप्चर। कैप्चर की लेंथ 4 मीटर से ज्यादा है, इस वजह से इसका बूट ज्यादा स्पेशियस है और ज्यादा प्रैक्टिकल भी है। सबसे पहले पेट्रोल इंजन्स। कैप्चर में है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो 99 bhp तक का पावर प्रोड्यूस करता है। वहीं पे नेक्सॉन में आता है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो ऑलमोस्ट 108 bhp तक का पावर प्रोड्यूस करता है। अब अगर हम परफॉर्मेंस की प्योरली बात करें तो नेक्सॉन डेफिनेटली बेटर चॉइस है पेट्रोल में। इस इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा है, इसका ड्राइवेबिलिटी भी अच्छा रहेगा। इनफैक्ट क्योंकि नेक्सॉन थोड़ी ज़्यादा हल्की है कंपेयर्ड टू द कैप्चर तो इसका परफॉर्मेंस भी बेहतर होना चाहिए। कैप्चर का पेट्रोल इंजन है उसमें आपको 5-speed मैनुअल मिलेगा, वहीं पे नेक्सॉन में आपको 6-speed मैनुअल मिलेगा। माइलेज की बात करें तो कैप्चर का पेट्रोल इंजन आपको सिटी में ऑलमोस्ट 9 से 11 के बीच में एवरेज देगा, वहीं पे नेक्सॉन का इंजन आपको 12 से 14 के बीच में एवरेज देगा इन द सिटी। मूविंग ऑन टू द डीजल इंजन्स, दोनों में 1.5 लीटर का इंजन आता है जो ऑलमोस्ट 108 bhp तक का पावर प्रोड्यूस करता है। दोनों में 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन भी आता है। अगर हम परफॉर्मेंस ड्राइवेबिलिटी की बात करें तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों गाड़ियों का इंसुलेशन भी काफ़ी अच्छा है, आप सिटी में चलाएं या हाईवे पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ग्राउंड क्लियरेंस की भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब जो कैप्चर है उसमें आपको थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं फॉर ईज ऑफ ड्राइविंग जो है ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और क्रूज कंट्रोल। लेकिन नेक्सॉन में आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं जैसे सिटी, इकोनॉमी और स्पोर्ट जो आपको दूसरी कोई SUV में नहीं मिलते हैं अप टू 14-15 lakh रुपीस। तो इस हिसाब से नेक्सॉन भी अच्छी है, कैप्चर भी अच्छी है ड्राइविंग में और दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, दोनों की हैंडलिंग अच्छी है, दोनों की राइड क्वालिटी भी अच्छी है, तो आपको ज़्यादा गड्ढे महसूस नहीं होंगे चाहे आप आगे बैठे या पीछे। तो इस हिसाब से ड्राइविंग डायनेमिक्स में दोनों गाड़ियों का स्कोरिंग ऑलमोस्ट हाई है डीजल में, पेट्रोल में नेक्सॉन का पलड़ा थोड़ा ज़्यादा भारी है। अब अगर हम बात करें दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग की तो नेक्सॉन की प्राइसिंग तो अनाउंस हो चुकी है। टॉप मॉडल मैक्सिमम ऑन रोड आपको 11.5 lakh पड़ेगा, लेकिन जो कैप्चर रहेगी वो ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगी। इसकी प्राइसिंग क्रेटा से मेल खाएगी ऑलमोस्ट, और ये क्रेटा को थोड़ा अंडरकट भी करनी चाहिए। अब इसकी प्राइसिंग हाई है क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी है, इसमें आपको बूट स्पेस ज़्यादा है, थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स दिए हुए हैं कंपेयर टू द नेक्सॉन, लेकिन फिर भी इसकी प्राइस हाई रहेगी क्योंकि ये थोड़ी अलग है व्हीकल। सो एज एन ओवरऑल पैकेज दोनों को आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपके पास कैप्चर जितने पैसे हैं, मगर कैप्चर आपके काम तभी आएगी अगर आपको चाहिए ज़्यादा बड़ा बूट और अगर आपको कैप्चर के लुक्स पसंद है या आपको रेनो ब्रांड पसंद है, वरना नेक्सॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है एज एन ओवरऑल कंप्लीट पैकेज। मैं देख रहा हूँ कि अभी तक आपने लाइक का बटन प्रेस नहीं किया है, क्या आपको वीडियो पसंद नहीं आया? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने सोशल मीडिया पे इसे शेयर कीजिए। अगर आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इन्हें छोड़ सकते हैं, हम जल्द से जल्द इसका जवाब आपको देंगे। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटर ऑक्टेन का YouTube चैनल।